नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी के बारे में, एटोमी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एटोमी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है पिछले 2 साल से जो चल रहा था, अभी उसमें कुछ चेंज होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं वो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएँ ताकि आपको एटोमी से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। atomy.com/USA ये वेबसाइट है, इसके डाउन साइड में आप जाओगे देखोगे तो atomy.com लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ऑफिशियली ये इन्फॉर्मेशन देखनी है एटोमी की वेबसाइट पे तो ऐसे आपको प्रोसेस पूरा करना है। तो ये नया विंडो खुलेगा, उसमें डाउन साइड में देखोगे ये नोटिफिकेशन FAQ, तो नोटिफिकेशन में क्लियरली जो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, इसमें अपडेट्स आती रहती हैं, वो सारे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चेंज इन नॉन लिविंग फॉरनर्स इंडियन इन कोरिया, तो फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे इस प्रकार की नई विंडो रहेगी आपके लिए। तो इसमें क्लियरली जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर दे रखा है एटोमी ऑफिशियल कोरिया की तरफ से। चेंज इन नॉन लिविंग फॉरनर्स इंडियन इन कोरिया एज कोरियन कंज्यूमर न्यू मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन, ठीक है। चेंज इन नॉन लिविंग फॉरनर्स इंडियन इन कोरियन एज ए कोरियन कंज्यूमर, अभी जो नए मेंबरशिप का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो एज ए कंज्यूमर हो रहा था अभी तक, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर इमेंस इंटरेस्ट इन एटोमी इंडिया विच इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन Q2 2022। Q2 का मतलब है दोस्तों Q2, Q1 होता है जनवरी से मार्च और Q2 Q2 होगा अप्रैल से जून, ठीक है, 2020। तो एक्सपेक्टेड है Q2 में लॉन्च होने का। करंटली न्यू मेंबरशिप जो रजिस्ट्रेशन है वो atomy.kr पे हो रहा है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुए हैं अभी फर्स्ट टाइम, कुछ लोग पैन कार्ड से करवा लेते हैं और किसी भी टीम में सपोर्ट ना मिलने से वो दूसरे लीडर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और वहाँ पे आधार कार्ड से ज्वाइन करवा लेते हैं। तो डबल आईडी रजिस्ट्रेशन इन्होंने कर रखा है, काफ़ी लोगों ने लीडरों ने एटोमी में ये मिला है अभी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बंद करने के लिए एटोमी ने एक प्लान किया है कि पैन कार्ड जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में से एक चीज़ अपलोड होता था और लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, पैन से एक आईडी लगा दिया दूसरी जगह आधार से लगा देते थे, तो डबल आईडी एटोमी में अभी अलाउ नहीं है, ठीक है। और पैन और आधार 1 अक्टूबर से पैन कार्ड और आधार कार्ड आप जो लोग हैं नए रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों अपलोड करना पड़ेगा। और ये जो प्रैक्टिस है जैसे रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं अभी तक डबल आईडी, अगर ऐसा अभी तक एटोमी को मिल जाएगा तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। जिन लोगों ने डबल आईडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है इट मे रिजल्ट इन रिस्ट्रिक्शन टू मेंबरशिप, इसके बारे में एटोमी डिसीजन लिया नहीं, लेगी तो आप इससे अपडेट करते रहिएगा। और जितने भी लीडर्स हैं जो एटोमी की गाइडलाइन के विरुद्ध चलेंगे तो एटोमी बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है, ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। और मैरिड कपल मस्ट शेयर ए सिंगल आईडी, जितने भी मैरिड कपल है हस्बैंड वाइफ की सिर्फ एक ही आईडी लगेगी, डबल आईडी यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर किसी ने हस्बैंड और वाइफ की आईडी लगा भी रखी है तो उनको सलाह दी जाती है कि वो एक ही आईडी पे काम करे, और दूसरी आईडी का क्या होगा वो एटोमी ऑफिशियल जब लॉन्च होगा इंडिया में तब आपको आप अपने प्लान के माध्यम से पता कीजिए उसका क्या करना है, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और डबल आईडी का इस तरह से उनको फ्यूचर में नोटिफाई किया जाएगा कि उनको आगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी जो डबल आईडी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अपलायंस से कॉन्टैक्ट कीजिए, एटोमी की ऑफिशियल गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, जब एटोमी इंडिया लॉन्च होगी तो आपको बताया जाएगा कि डबल आईडी जिस जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनको आगे क्या करना है। अभी तक जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे जिन लोगों ने पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया, सिंगल आईडी जिनका रजिस्ट्रेशन है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिन लोगों ने फर्स्ट आईडी पैन कार्ड से लगाया, सेकंड आईडी आधार कार्ड से लगाया है, तो सेकंड आईडी एटोमी में अलाउ नहीं है, वो सेकंड आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी एटोमी लॉन्चिंग से पहले। और इसके बारे में कंफर्म करने के लिए ऑफिशियली आप अपने अपलायंस से टचअप में रहे, वो आपको बताएगा कि लेटेस्ट पॉलिसी क्या है एटोमी की, ठीक है, जिन लोगों ने डबल आईडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ऑफिशियल जो पहले आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वही एटोमी में रहेगी। अगर आप लोगों ने डबल आईडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपने प्लान के माध्यम से ऑफिशियल गाइडलाइन पता कीजिए कि आगे एटोमी ऐसी जो डबल आईडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनका क्या करेगी और आपको क्या गाइडलाइन जारी करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तो अभी तक जो हो चुका है वो ठीक है, आगे आप डबल आईडी रजिस्ट्रेशन किसी का मत कीजिए, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ में सिंगल एक ही आईडी लगाइए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको दोस्तों पसंद आई होगी। आप हमारी टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, तो कृपया करके आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।